अब दोस्तों मेन व्यू तो देखो इंडिया गेट का यहाँ से आपको दिखेगा, ये है इसका मेन व्यू, कम्प्लीटली व्यू आपको मिलेगा और क्राउड भी यहाँ से दिखने वाला है आपको, कितना क्राउड है देखो इस तरफ से पूरा दिखा देता हूँ आपको। पीछे देख सकते हो ये पूरा अंडरपास था यहाँ से, और ऊपर ये रोड चल रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ खाने वाने के लिए आपको चाहिए, बच्चे क्या बड़े कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अब ये पूरा इसमें पत्थर का काम कर दिया है, तो पोल्यूशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा साफ सुथरा है और लुक एंड फील तो काफी अच्छा लग ही रहा है। बच्चे आते हैं तो ये सब चीजें इंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने की काफी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये इसका पूरा मैप मिल जाएगा आपको, ये कुछ इस टाइप से मैप है, ये बेसिकली पूरा अंडर पास के अंदर मैंने ये तस्वीरें कुछ ऐसी लगा रखी हैं जिसके थ्रू हम आइडिया ये लगा सकते हैं। ये इससे पानी भरा जा रहा है यहाँ पे इसके अंदर में, अब देखो इस तरह से जो पानी चल रहा है तो कब तक पानी भरेगा इसके अंदर। लेकिन यार मेरी रिक्वेस्ट है ये लोगों से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं कोई आए यहाँ पे तो यार इस तरह से गंदगी ना करें। गाइस कैसे हो आप लोग, तो आपके शरीफ भाई दोस्तों आज आपको लेके आ चुके हैं बिल्कुल नई जगह, जो कि नई जगह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ दोस्तों इंडिया गेट पे, दिल्ली के इंडिया गेट पे लेके आया हूँ। और क्यों लेके आया हूँ दोस्तों, आज मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ यहाँ पे के इंडिया गेट पे जो है, तो आपको पता ही है काफी टाइम से रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो अब जाके कंप्लीट हुआ है कुछ टाइम पहले, और आप देख ही सकते हो कि भाई को मैं बोलूंगा दिखाएंगे, टूरिस्ट देखो किस तरह से पूरे उसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, और टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा टूरिस्ट हैं, और संडे का दिन है आज, उसके हिसाब से दोस्तों काफी ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। तो आज मैं आपको दोस्तों पूरा दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रिनोवेशन का काम हुआ है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नई हुई हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक मेन चीज मैं दिखा देता हूँ भाई को, जरा इधर करके दिखाएंगे, देखो ये जो रास्ता है इस तरफ से दोस्तों, ये पहले जो है इसे राष्ट्रपति से और इंडिया गेट तक का जो रास्ता है इसे राजपथ कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके दोस्तों इसका नाम कर दिया है कर्तव्य पथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया है, और आपको बताऊंगा कि देखो कितनी सारी ग्रीनरी यहाँ पे, अच्छी अच्छी ग्रीनरी हो गई है, जो पार्क वगैरह थोड़े से उजड़े हुए टाइप के थे वो बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रीन ग्रीन यहाँ पे घास लगी हुई है, और यहाँ पे काफी दोस्तों पानी का भी काफी अच्छा वो है कि यहाँ पे पानी भर रखा है, बच्चे आते हैं वहाँ पे इंजॉय करते हैं काफी। तो आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, और आप ज्यादा देर नहीं करते हुए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐसी नई बनी हुई है। बाकी पीछे मेरे देख ही सकते हो इंडिया गेट का लुक काफी अच्छा है, और कोशिश करूंगा आपको ये वीडियो जो है ना नाइट व्यू भी दिखाने की, कि यहाँ पे नाइट व्यू किस तरह से दिखता है, यहाँ पे किस तरह से लाइटिंग की गई है, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो चलो वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो गाइज अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ पे, दिखाता हूँ जो यहाँ एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, जैसे कि यहाँ पे पानी वगैरह है ना, पहले इसमें हम देखते थे बोट वगैरह चलती थी, पर अभी पता नहीं कि वो सब चीजें एक्टिविटी यहाँ पे कंटिन्यू करते कि नहीं करते। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे बोट लगे हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पैदल यात्रियों के लिए अंडर पास की जो सुविधा यहाँ पे की हुई है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो फोटो में दिखा रखा है कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है पूरा अंडर पास जो है। बाकी ये राजपथ का व्यू जो है देखो, पहले क्या व्यू कैसे दिखता था, पहले कुछ इस तरह से व्यू नजर आता था, अब देखो व्यू कुछ इस तरह से पूरा दिखता है। तो ये जो चेंजेस है वो काफी अच्छे मतलब लग रहे हैं, जैसे ग्रीनरी एरिया में अगर आप देखोगे ना, पहले देखो यहाँ मट्टी वट्टी पूरी पड़ी रहती थी, लेकिन अब ये पूरा इसमें पत्थर का काम कर दिया है, तो पोल्यूशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा साफ सुथरा है और लुक एंड फील तो काफी अच्छा लग ही रहा है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, और ये इसका कंप्लीट व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको दोस्तों लेके चलता हूँ इस तरफ, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये पानी का मतलब एरिया बनाया हुआ है, पहले तो इसमें देखते थे हम, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया था, इसमें बोट वगैरह चलती थी यहाँ पे, लेकिन अब ये है कि फिलहाल अभी शायद बन के तैयार हुआ है, तो आगे ये कुछ एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं, बट अभी के लिए तो यहाँ पे मतलब दो मिनट अगर आप रुक के पानी में पैर भी डालोगे ना तो गाड़ी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, बच्चे बच्चे बैठ के थोड़ा सा इंजॉय तो करते रहते हैं, मुझे लगता है बहुत गहरा तो नहीं दिख रहा, देखने में लग रहा है काफ़ी गहरा तो नहीं है, बट फिर भी जो चीज़ का मना है उससे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी बच्चे मैंने देखा है थोड़ी देर पहले पैर वैर डाल के बैठे हुए थे, तो गार्ड वहाँ मना कर रहे थे कि भाई इस चीज़ को एक्टिविटी को ना करो जिस चीज़ के लिए मना किया गया है। तो मेन जो इंडिया गेट का व्यू है वो आपको मैं डेफिनेटली अब दिखा देता हूँ कि वहाँ पे जो है क्या क्या चेंजेस हैं, और अंडरपास जो बनाया गया है नया,
वो अंडरपास का व्यू मैं डेफिनेटली आपको जाके दिखाता हूँ। और जैसे कि दोस्तों देखो, अभी आपको मैंने दूसरी तरफ में जो दिखाया था वहाँ तो काफ़ी पानी वानी भरा हुआ था, तरफ का भी पानी जो है भर रहे हैं कि या मुझे लग रहा पानी चालू कर रखा है। ये देखो, ये इससे पानी भरा जा रहा है यहाँ पे इसके अंदर में। अब देखो इस तरह से जो पानी चल रहा है तो कब तक पानी भरेगा इसके अंदर। लेकिन यार मेरी रिक्वेस्ट है ये लोगों से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं कोई आए यहाँ पे तो यार इस तरह से गंदगी ना करें। ये देखो ये चीज़ ऐसी है कि इसके अंदर बच्चे उच्चे खा पे फेंक रहे हैं। अगर बच्चे साथ में आते हैं तो आप कोशिश करें उनको मैनेज करने के लिए कि यार ये चीज़ें एटलीस्ट ना हो। अब देखो इतना सब कुछ करके अगर यहाँ पे सफाई से ये सब कुछ बनाया जा रहा है, इतना देखो शानदार चीज़ें अच्छी से बनाई जा रही हैं, तो इनको क्लीन करने की जिम्मेदारी भी अपनी बनती है यार। ये चीज़ थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखें हम लोग। और अब मैं आपको दोस्तों लेके चलता हूँ यहाँ पे अंडरपास की तरफ, जो कि यहाँ पे अंडरपास बनाया गया है नया वाला, जिसमें कि पूरा आपको रोड पार करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से क्या है ना, बहुत ट्रैफिक हो जाता है तो फिर हम रोड पार करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, अब वो काफ़ी टाइम लगता है। तो उस चीज़ को हम लोग इग्नोर करने के लिए यहाँ अंडरपास बनाया गया है, तो उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। अंडरपास किधर से जाते हैं, रास्ता कहाँ से है, वो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ चल के। और ये देखो यहाँ पे जो है, ये जैसे कि पहले मैंने बोर्ड दिखाया था, ये बोर्ड यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी ये है कि बच्चों के लिए कुछ खाने वाने के लिए आपको चाहिए, बच्चे क्या बड़े कुछ भी खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो ये लेडीज़ों का सामान है, ज़्यादातर लेडीज़ ही खाती हैं इन सब चीज़ों को। बाकी बच्चे आते हैं तो ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। खाने पीने की काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और इस तरफ से जाएंगे तो हम ये देखो यहाँ से रास्ता आ जाता है अंडरपास के लिए। और लोग आते हैं दोस्तों, बच्चे बच्चों को लेके आते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा ना पकड़ के संभाल के जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में क्या होता है ना, यहाँ पे इतनी भीड़ की जगह है, देखो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। अभी जैसे अगर हम देखे जाएँ इतना क्राउड है यहाँ पे, संडे का दिन है आज, इसलिए जो ज़्यादा क्राउड आपको मिलेगा। ये देखो यहाँ पे पकोड़े वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, पकोड़े वकोड़े आप खा सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो अंडरपास है, देखो ये अंडरपास यहाँ पे बनाया गया है जिसके थ्रू हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है यार, सरकार ने इतनी अच्छी चीज़ बना के दी है। अगर अंडरपास इतना बनाया, इतना पैसा खर्च किया है इसके ऊपर में, तो इसको ही यूज़ करना चाहिए। अब ये कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, देखो किस तरह से ये बनाया गया है। तो ये देखो नीचे चलते हैं, ये देखो इसके दो रास्ते हैं, आप इधर से भी आ सकते हो और इस तरफ से भी यहाँ पे आ सकते हो, जा सकते हो। तो दोनों लगे हुए हैं इसमें, इन आउट दोनों के ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे आपको। बाकी ये है कि इस तरफ से देख सकते हो मेन जो है दो रास्ते हैं इसमें, इस तरफ से अपना लेफ्ट साइड में जाने के लिए और राइट साइड में आने के लिए है। तो ये पूरा इसके ऊपर में देखो यहाँ पे रोड चल रहा है, और यहाँ पे देखो नीचे पूरा एक ज़बरदस्त वाला ऐसा मतलब अंडरपास इसके अंदर बना दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। अब आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, देखो यहाँ से अंदर से, पता नहीं ये मशीनें वशीनें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, अभी तो आवाज़ करनी चाहिए थी, कर रही है भाई, काम कर रही है, क्योंकि आवाज़ इसमें आ रही है यहाँ पे। और देखो इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी जो मैं बताना चाहूँगा, ये देखो ये इस टाइप से, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना जो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, मैंने कोशिश की आपको ये दिखाने की। बाकी ये है कि कैसे बना, क्या क्या हुआ, किसने बनाया, वो सब कुछ चीज़ें काफ़ी इसमें मेंशन है। ये इसका पूरा मैप मिल जाएगा आपको, ये कुछ इस टाइप से मैप है। ये बेसिकली पूरे अंडरपास के अंदर मैंने ये तस्वीरें कुछ ऐसी लगा रखी हैं जिसके थ्रू हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि ये कैसे कैसे बन के तैयार हुआ, इतिहास क्या है इसका, वो पूरी चीज़ें देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो कि न्यू दिल्ली का पूरी हिस्ट्री का पूरा दे रखा है इसके अंदर में। और इस तरफ देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से व्यू इसका जो है, पूरा व्यू जो है वो कंप्लीट व्यू इस तरह से नज़र आता है इसका। और ये जिसे राजपथ पहले कहा जाता था, वो ही देखो 26 जनवरी की परेड वगैरह जो निकलती है, तो पूरा मतलब इधर से जो है राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक की पूरी परेड इधर से जाती हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये अब का व्यू है, मतलब पहला व्यू ऐसा दिखता था, ये बराबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो दोनों व्यू कुछ इस तरह से नज़र आ जाते हैं इसके। अब ये देखो व्यू कैसा है, ये गजब, मतलब देखने में फुल ग्रीनरी है पूरा यहाँ से, ये देख सकते हो यहाँ से राजपथ है और ये इंडिया गेट है, ये देख सकते हो, ये रहा इतना बड़ा एरिया और ये इतना ज़बरदस्त लुक एंड फील यहाँ पे आता है बनके। ये देखोगे तो यहाँ पे ये मैप बनाया हुआ है इस टाइप से, ये देखो ये पूरा, अगर आप चाहो तो इसे मैप को देख के देख सकते हो डिटेल क्या क्या लिखी हुई है। कोशिश करता हूँ देखो आपको डिटेल दिखाने की इसकी, ये पूरी डिटेल देख सकते हो। और ये कर्तव्य पथ जैसे कि पहले मैंने आपको दिखा चुका हूँ, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो ये बिफोर आफ्टर वाला सीन इसके अंदर में पूरा, दोनों देखना है तो दोनों व्यू कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं।
बाकी देख सकते हो ये एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो पिलर बने हुए हैं ये खाली ऐसे पिलर नहीं है, इनके अंदर में देखो डुअल सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे आपको इवेंट लाइटिंग वगैरह के लिए कंट्रोलिंग का ऑप्शन है और एनर्जी एफिशिएंट लाइट भी लगी हुई है जो कि ये है, ये मे बी शायद उससे भी चार्ज होती है, तो उस टाइप से ये काफ़ी आपको एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्टर लाइट इसको बोला जाता है। ये देखो इस टाइप से भी ये वाला लैंप इसके अंदर में लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, तो ये कंप्लीट जो है इस टाइप से व्यू इसका आपको मिलता है। अब ये व्यू आप देख लो, ये व्यू कैसा था, ये व्यू ऐसा मतलब देखने में लगता था, और आप देखो व्यू कैसा हो गया है, मतलब कंप्लीट ग्रीन एरिया बन गया है ये वाला। और ये तो यार बहुत सारे लगे हुए हैं, ये आपको दिखा देता हूँ, देखो जल्दी जल्दी चलते हुए, नहीं तो पता बोलेंगे कि यार शरीफ भाई आपने वो बोर्ड में ही पूरा टाइम बिता दिया। तो अब देखो बात करते करते हम बाहर भी निकल आए और हमें पता भी नहीं लगा, पूरा अंडर पास ये पीछे देख सकते हो, ये पूरा अंडर पास था यहाँ से, और ऊपर ये रोड चल रहा है यहाँ पे, और अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, और ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरफ ये बाहर निकलने का रास्ता है, उस तरफ से हम निकल के आए और इधर से बाहर जाएंगे। तो मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने कि अंडरपास बना के मतलब निकलने के लिए रास्ता काफ़ी इजी हो गया है, पहले काफ़ी परेशान होना पड़ता था इसके लिए, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। अब दोस्तों मेन व्यू तो देखो इंडिया गेट का यहाँ से आपको दिखेगा, ये है इसका मेन व्यू, कम्प्लीटली व्यू आपको मिलेगा और क्राउड भी यहाँ से दिखने वाला है आपको, कितना क्राउड है देखो इस तरफ से पूरा दिखा देता हूँ आपको, ये देखो क्राउड पूरा का पूरा यहाँ पे इस टाइम में क्राउड है क्योंकि संडे का दिन है आज। और ये देखो यहाँ पे ये पानी निकल रहा है, इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको, वाओ तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने इंडिया गेट का आपको व्यू दिखाया था, भाई को बोलूंगा एक बार और दिखाएंगे, देखो इंडिया गेट इस तरफ है, ये मैं आपको लोकेशन बताने के लिए बता रहा हूँ, ये इंडिया गेट है और यहाँ खड़े हुए हैं हम इस तरफ, और यहाँ पे जो है मैं बताना चाहूँगा पार्किंग के लिए आपको, अगर आप गाड़ी लेके आते हैं अपनी या टू व्हीलर से आते हैं, दिल्ली में रहते हैं पास से आते हैं, तो यार पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोशिश करें अवॉइड करें, अगर हो सकता है ऑटो वोटो यूज़ करें या यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपना मेट्रो वगैरह यूज़ करें। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हो तो आपको जो है मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसके राइट हैंड साइड पे जो रोड है उसके तरफ में एक पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी, और एक पार्किंग जो है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इसके लेफ्ट साइड पे वहाँ पे पार्किंग है, तो दोनों तरफ पार्किंग की यहाँ पे सुविधा है। लेकिन पार्किंग जैसे आज संडे का दिन है, मैं खुद अपना टू व्हीलर लेके आया था, मैं बहुत देर खड़ा रहा जब जाके मुझे पार्किंग की जगह मिली, बाकी पार्किंग के नॉर्मल चार्जेस हैं, टू व्हीलर के 10 रुपये लेते हैं और वैसे वहाँ पे गाड़ी के जो है फोर व्हीलर के 20 रुपये यहाँ पे चार्ज करते हैं, एक घंटे के मिलेंगे ये पैसे, जितने घंटे रुकोगे उस हिसाब से पार्किंग का चार्ज आपको देना पड़ेगा। बाकी कोशिश करना यार अवॉइड करना, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो ना तो अपना, अगर जैसे अगर वीकेंड में आ रहे हो तो ज़्यादा ही कोशिश करना अवॉइड करने की अपने प्राइवेट व्हीकल को, बाकी अगर आप आ रहे हो तो फिर आप नॉर्मल डे में तो आ सकते हो, पार्किंग का काफ़ी मतलब ये है कि गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप संडे के दिन ही आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा क्राउड है, इस चक्कर में थोड़ा सा इशू हो रहा था। अब ये देख सकते हो इंडिया गेट पे यहाँ पे किसकी तस्वीर लगाई गई है, कि आज आपको मैंने पूरा इंडिया गेट का व्यू दिखाया था, यहाँ पे पूरा एक ब्लॉग बना के दिखाया आपको कि इंडिया गेट के अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आफ्टर रिन्यूवेट यहाँ पे हुए हैं। तो दोस्तों कोशिश की थी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की, दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। बाकी देख सकते हो फंटन व्यू ऐसा होने वाला है, कोशिश करूंगा नाइट व्यू तक, हमारे मोबाइल की बैटरी होने वाली है डाउन, अगर नाइट व्यू तक रही डेफिनेटली आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे नाइट व्यू की स्पेशल। वीडियो में कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो दोस्तों डेफिनेटली आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।